कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह क्लब हाउस चैट करके बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। क्लब हाउस चैट के दौरान आर्टिकल 370 पर बयान को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस चैट का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। बता दें कि भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह के कथित क्लब हाउस चैट का ऑडियो जारी किया है। अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनः विचार करेंगे। वास्तव में यही तो पाकिस्तान चाहता है। दावा किया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार भी शामिल थे और पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में ही दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा है। सोशल मीडिया पर वायरल कथित क्लब हाउस चैट के ऑडियो में दिग्विजय सिंह कहते हैं, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान ना ही इंसानियत का तकाजा रखा गया है और ना ही इसमें कश्मीरियत का ख्याल रखा गया है। सभी को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और आर्टिकल 370 बहाल करेंगे। डेमोक्रेसी वॉज नॉट देयर इन कश्मीर when they revoked Article 370. Then insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you. Thank you so much. अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।